एक गीत भेंट कर रहा हूं कि ना धर्म बुरा ना करण बुरा ना गंगा बुरी ना जल बुरा पीने वालों से पंडित जी ना करना कभी नसीहत मरने वाला मरते मरते करता यही बसीहत की पंडित जी मेरे मरने के बाद पंडित जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना इतना कष्ट उठा लेना इतना कष्ट उठा लेना मेरे मुंह में गंगा जल की जगह मुंह में गंगा जल की जगह थोड़ा मदिरा छलका देना पंडित जी मेरे मरने के बाद मेरे अनुज हमारे छोटे भाई श्री देविंद तिवारी जी पप्पू भैया जो बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं लगातार 11 वर्ष से और अखिल भारतीय कीर्तन मंच के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आपकी ओर से ये 251 मुद्राएं भेज हुए हैं और हमारे छोटे भाई श्री अमित शुक्ला जी की ओर से भी आदरणीय भैया श्री अमित शुक्ला जी जिनका इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा श्रेय है आपकी ओर से 201 मुद्राएं भेज हुई हैं भैया श्री धर्मेंद्र शर्मा जी ये त्रिमूर्ति ही है इस कार्यक्रम में जिन्होंने अथक प्रयास करके अपने सभी साथियों को एकत्रित करके इस कार्यक्रम को इस अंजाम तक पहुंचाया है हम तीनों बंधुओं का धन्यवाद देते हैं भैया श्री धर्मेंद्र शर्मा जी की ओर से भी एक से एक मुद्राएं भेंट हैं और आदरणीय हमारे भैया श्री मनोज त्रिवेदी जी जो रायबरेली से चल के यहाँ आए हैं आपकी ओर से भी ये बहुमूल्य भेंट है हमारे लिए सभी का धन्यवाद देता हूँ आइएगा गीत की ओर चलते हैं चलो भले ही फिल्म का गीत तो हो लेकिन मैंने उस पर विचार किया लोग कभी भी भगवान से या किसी से मांगते हैं तो अपने जिंदा जिंदा के लिए मांगते हैं अगर मरने के बाद मांगेंगे तो कहेंगे मेरे बच्चों को ऐसा हो जाए मेरी बीवी को ऐसा हो जाए लेकिन एक ऐसा विचित्र स्नेह है जो अपने मरे हुए पार्थिव शरीर के लिए मांग रहा है मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना मेरे मुंह में गंगा जल की जगह मुंह में गंगा जल की जगह थोड़ा मदिरा छलका देना भले ही वो शराबी हो
लेकिन उसका स्नेह किसी से भी प्रेम हो आएगा। मैं कुछ ऐसे विषय ढूंढ रहा हूं, ऐसे कुछ प्रसंग ढूंढ रहा हूं जो जिन्होंने मरने के बाद अपने पार्थिव शरीर के लिए कुछ मांगा है। एक राक्षस था जिसका नाम था गुणाकेश। तो असुर गुणाकेश ने तप किया महान, असुर गुणाकेश ने तप किया महान, भगवान विष्णु बोले भक्त मांग ले वरदान। तब हाथ जोड़ करके बोला भक्त गुणाकेश, हाथ जोड़ करके बोला भक्त गुणाकेश, दर्शन के बाद कोई इच्छा रही ना शेष। महाराज कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, मांगू क्या। भगवान ने कहा हम आए तो मांगो कुछ। बोले महाराज मेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई होगा, सबका शरीर अस्थियों का मांस का बना होता, मेद से खून का बना होता है, लेकिन मेरा शरीर तांबे की मिली काया। उसका शरीर पूरा तांबे का था। तांबे की मिली काया, हरि का दर्श मिल गया, हरि के पदार बिंद का स्पर्श मिल गया। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। भगवान ने कहा फिर भी मांगो, देखिए कितनी विचित्र मांग करता है। तो कहा महाराज मांगे हैं तो एक प्रार्थना है मेरी दीनानाथ से, ये एक प्रार्थना है मेरी दीनानाथ से कि मौत हो हमारी प्रभु तुमरे हाथ से। भगवान चक्कर में पड़ गए, बोले भक्त ये क्या मांग लिया, आखिर मैं अपने भक्त को क्यों मारूं। कहा महाराज मारना तो पड़ेगा, लेकिन ये सुन लीजिए कब कब कब, जब महाराज मैं आपके ध्यान में लीन हो जाऊं तब आप मेरा सर काट दीजिएगा। भगवान को भक्त के सामने झुकना पड़ा, जैसे वो भक्ति में लीन हुआ तो सर काट दिया हरि ने अपना चक्र छोड़कर। शुक्ला जी एक दृश्य देखिएगा, सर काट दिया हरि ने अपना चक्र छोड़कर, सर उधर धड़ इधर, लेकिन स्थिति क्या बनी, सर काट दिया हरि ने अपना चक्र छोड़कर, तो मरते समय वो बोला मुख, मरते समय वो बोला हरि से हाथ जोड़कर। बोल मुंह रहा है, हाथ जोड़ रहा है धड़, और कह क्या रहा है, मैंने सोचा गीत कहता था पंडित जी मेरे मरने के बाद, मैंने सोचा अगर मैं भी लिखता हूँ पंडित जी तो लोग कहेंगे ले दीक्षित जी अपने ही गाने लगे, तो मैंने सोचा नहीं पंडित जी नहीं लिखूंगा, अब पंडित जी जिनकी पूजा करते मैं उनको लिखूंगा। मरते समय वो बोला हरि से हाथ जोड़कर। भगवान लाचार खड़े हैं, भक्त तूने ये क्या किया, मैं अब भी तुमसे कहता हूं कि वरदान मांग ले और वरदान में अपनी जिंदगी मांग ले। तो गुणाकेश कहने लगा महाराज कि ना बदल बुरा ना जीवन बुरा,
और ना शरण बुरी ना मरण बुरा, वे अपने कन की ठाकुर जी कि मरते मरते नाथ आपसे अंतिम यही गुजारिश की, ठाकुर जी मेरे मरने के बाद। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी मेरे मरने के बाद बस इतनी दया दिखा देना, इतनी दया दिखा देना, मेरा शरीर तांबे का है महाराज, इतनी कृपा करना ठाकुर जी मेरे मरने के बाद, इतनी दया दिखा देना, मेरे तन से बने जो बर्तन, मेरे तन से बने जो बर्तन उसमें भोग लगा लेना, ठाकुर जी मेरे मरने के बाद, ठाकुर जी मेरे मरने के बाद। एक भक्त और देखेगा, वो भक्त भी राक्षस जाति का है। जैसे ही भगवान राम ने बाण मारा, उसके मुख से निकला हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा सीते, हा सीते। भगवान खुश हो गए। राम ने कहा कि हे मारी, तूने मरते समय मेरी पत्नी और मेरी भार्या सीता का नाम लिया है, मैं तुझसे खुश हूं, तुम उससे कुछ वरदान मांग ले। माइक का सपोर्ट कम मिल रहा है, हेलो, इसका सपोर्ट कम मिल रहा है, सब माइकों की आवाज कम हो गई। वरदान मांग लीजिएगा हमसे। भैया श्री नंद किशोर निराला जी जो कीर्तन जगत में एक उभरते हुए सितारे के रूप में हैं, आप हमारे छोटे भाई श्री अजय विजय जी के शिष्य हैं, आपकी ओर से ये बहुमूल्य भेंट उस माला के साथ। भैया श्री गजराज जी जो पहले अजय विजय के साथ थे, आज हमारी अरण्या राखी आजाद जी के साथ सहयोग कर रहे हैं, आपकी ओर से बहुमूल्य भेंट इस माला के साथ, साधुवाद धन्यवाद है। भगवान ने कहा वरदान मांग लीजिए। मारिच कहने लगा महाराज मैं क्या मांगू, मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे आपके हाथ से मर के स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है। मुझसे पापी, मुझसे पापी का हो सकता था ऐसे उद्धार कहां। और महाराज एक समस्या और, मांग मांगना चाहूं तुमसे यदि, मांग मांगना चाहूं तुमसे ये मुझको अधिकार कहां। अरे तुमसे वरदान तो वो लोग मांगे जिन्होंने आपका भजन किया हो, कीर्तन किया हो, तपस्या किया हो। मैं तो महाराज आपके यहाँ आया तो भी आपको धोखा देने के लिए, मांग मांगना चाहूं लेकिन ये मुझको अधिकार कहां। तो भगवान ने कहा अगर अधिकार नहीं है तो मैं तुझे अधिकार देता हूँ, मांग। उसने हाथ जोड़कर कहा महाराज, ठाकुर जी मेरे मरने के बाद, ठाकुर जी मेरे मरने के बाद इतनी दया दिखा देना, इतनी दया दिखा देना,
कदम से जाम जो निकले मेरे तन से छाल जो निकले आसन उसे बना लेना ठाकुर जी मेरे मरने के बाद इतनी दया दिखा लेना ठाकुर जी मेरे मरने के बाद। आएगा अंतिम टुकड़ा भेज कर रहा हूं। 14 जनवरी 2019 में एक घटना घटी थी जिसमें एक साथ 40 जवान शहीद हो गए थे। उस घटना को सुनकर एक जाबाज सिपाही का खून खौल उठा। उसे पता चला इस पुलवामा घटना के पीछे जिन षड्यंत्रकारियों का हाथ है उनमें से 6 यही कहीं छिपे हैं। उसने सेना की छोटी सी टुकड़ी लेकर उन पर घेराव कर दिया, ऑपरेशन किया। बहादुर अकेले अंदर घुस गया और उन 6 को मार दिया। जस्ट मनाने लगे लोग, लेकिन पता नहीं सातवां कहां था। उसकी गोली आई और उस जाबाज मेजर विभूत सिंह के सीने में समा गई। अचेत होकर गिर पड़ा। सैनिक हॉस्पिटल भेजा गया, वहां से रिफर किया एम्स के लिए। 24 घंटे बाद उसको होश आया। तो जब उसने आंखें खोली तब तक उसकी माँ, पिताजी, परिवार के लोग पहुंच चुके थे। आंख खोलते उसने कहा, माँ, माँ ने दौड़ के अपने सीने से लगा लिया बेटे को, बेटा मैं हूं, तुझे कुछ नहीं होगा। चारों तरफ देखने लगा तो माँ ने कहा, बेटा क्या देख रहे हो? उसने कहा कि माँ, तमाम लोग तो दिख रहे हैं, क्या मुझको देखने हमारे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह नहीं आए? कहा, क्यों बेटा? का एक वही ऐसे मंत्री है, देखिए मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय वो गृह मंत्री थे। उसने कहा कि एक वही ऐसे मंत्री है जिसने हम शहीदों के जनाजा में कांधा दिया है। माँ फूट फूट कर रोने लगी, बेटा ऐसा न कह, तुझे कुछ नहीं होगा। बोले, माँ रो मत, मेरे पास समय बहुत कम है, अगर आए हैं तो बता, अगर नहीं आए तो एक निवेदन करना है मुझसे। मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपसे। मां रोने लगी, बोले रो मत, क्यों? अरे ये वीर भोग्या वसुंधरा है, मुझ जैसे अरे भैया कामा जी, मुझमें जर से लाखों में जर देगा देश मेरा, लाखों पैदा हो जाएंगे। मुझमें जर विभूति से लाखों में जर देगा देश मेरा, अगर नहीं आए तो सुमा लाल चंद्र ग्रह मंत्री जी से, ग्रह मंत्री जी से कह देना संदेश मेरा। माँ रोने लगी, बोले रो मत, माँ मेरा संदेश यह है कि जो भी शहीद होता है उसको तिरंगे में लपेट कर उसको घर वापस किया जाता है। माँ मेरी इच्छा कि मुझे तिरंगा में न लपेटा जाए। माँ ने कहा, बेटा तो हर शहीद के लिए गौरव की बात है तिरंगे में लपेट जाना। अगर गौरव की बात है तो निवेदन करता हूँ, मेरे पूरे शरीर को ढक देना, लेकिन मेरे मुंह को खुला छोड़ देना। माँ ने कहा, लेकिन बेटा क्यों? क्यों? कहा, सुनिए, लाल चंद्र ग्रह मंत्री जी से कह देना संदेश मेरा, ठाकुर जी मेरे मरने के बाद
ठाकुर जी मेरे मरने के बाद इतनी दया दिखा देना, इतनी दया दिखा देना, माथे पर पावन मिट्टी से, माथे पर पावन मिट्टी से हिंदुस्तान लिखा देना। ठाकुर जी मेरे मरने के बाद इतनी दया दिखा देना, ठाकुर जी मेरे मरने के बाद। मां रोने लगी, कहा मां रो मत। संदेश अभी आधा हुआ है और एक पंक्ति और भेंट कर रहा हूँ, शायद आपके हृदय को छू जाए, लेकिन निवेदन करता हूँ केवल हिंदुस्तानी हृदय लेकर इस पंक्ति को सुनना, किसी जाति के बनकर के मत सुनना। ठाकुर जी मेरे मरने के बाद इतनी दया दिखा देना, माथे पर पावन मिट्टी से हिंदुस्तान लिखा देना, लेकिन मेरे जूतों के तलवों पर, मेरे जूतों के तलवों पर पाकिस्तान लिखा देना। ठाकुर जी मेरे मरने के बाद इतनी दया दिखा देना, ठाकुर जी मेरे मरने के बाद दिखा देना, दिखा देना, दिखा देना, ना ना ना। बस इसी के साथ ही इस कार्यक्रम को एक निवेदन करता हूं अंतिम चरण में।